हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके शर्मस्ती में। आप लोगों के मन में सवाल था कि जो आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ कंट्री है, उन लोगों का आना जरूरी है या नहीं है, क्या उनको प्रेजेंट होना होगा तभी जाकर के सर्वे होगा या नहीं होगा। तो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आना है या नहीं आना है। अगर नहीं भी आते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर प्रेजेंट में आप घर पे है तो वो तो बिल्कुल ठीक ही है। तो चलिए इसी पर आज हम लोग बात करेंगे, जो नोटिफिकेशन हमको मिला है उसके माध्यम से। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा। आप बिहार से बोल रहे हैं या बिहार से बाहर हैं, या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, दूसरे राज्य भी आप गए होंगे अपने काम के सिलसिला में, तो उन बातों को छोड़िए। हाँ, पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो हमको, हमारे ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिहार से बाहर हैं या कहीं किसी विदेश में हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको वहीं से आप अपने घर बात कर लीजिए, और घर पर कोई भी सदस्य आपके होंगे तो जो प्रॉपर्टी के कागज होगा सबूत के तौर पर, दस्तावेज होगा, केवाला होगा, रसीद होगा, दाखिल खारिज की रसीद होगी या खतियान होगा, इन सभी का प्रति छाया या फोटो कॉपी लगा करके आपके सदस्य का कोई व्यक्ति सर्वे टीम को सबूत के तौर पर दे देगा तो आपकी जमीन सर्वे हो जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि पिताजी के नाम पर है तो पिताजी को रहना आवश्यक है, इसे कोई लेना देना नहीं है। उनके लड़के भी करा सकते हैं, उनके पोते भी करा सकते हैं, उनके भाई भी करा सकते हैं, उनकी पत्नी भी करा सकती है। हाँ, इतना बात यह होना चाहिए कि आप अपने प्लॉट को पहचान कराने के लिए आपको प्लॉट तक जाना होगा कि ये मेरा प्लॉट है, क्योंकि उतना सर्वे टीम आपका प्लॉट नहीं पहचान सकती कि ये किसका है और ये किसका है, उतना के लिए आपको हेल्प करना होगा। तो आपके घर में कोई भी सदस्य होंगे तो इतना हेल्प तो जरूर करा सकते हैं। तो आप निश्चिंत जहां कहीं भी अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं, दो रोजी रोटी के चक्कर में गए हुए हैं, अपने परिवार को पालन कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के अपना पालन भरण पोषण कीजिए, कमाई कीजिए, नौकरी कीजिए, और सर्वे की टेंशन ना लें, क्योंकि आपके घर में कोई भी होगा तो सर्वे करा लेगा, केवल उनको प्रूफ चाहिए सबूत के तौर पर, और अपने कागज के अनुसार से वो सर्वे आपका करके और अपना जो ऑनलाइन करना है वो अपना कर लेंगे। लेकिन आप वहां से बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन देखने के बाद अगर कोई आपको गड़बड़ी लगता है कि नहीं यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं वहीं से भी। तो जो आप शिकायत दर्ज कीजिएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से उसको सुधारने की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट बाहर स्टेट से बाहर रहने वालों के, या कंट्री से जो बाहर है, देश से बाहर है, उनको जो देश में प्रेजेंट है, स्टेट में प्रेजेंट है, उनको कोई तो दिक्कत ही नहीं है, और जो बाहर भी है समझिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई सदस्य रहता ही है। तो यही था आपको जागरूक करना, ये बताना कि आप लोग अपना टेंशन ना पालें, चिंतित ना रहें, शोकाकुल ना रहें, और शांति से बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। जितने भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन जो भी फॉलो होता है इस चैनल के माध्यम से ही मिलता है, और इस चैनल के माध्यम से इतना इजी आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि कोई भी बच्चा, दूध पीता बच्चा भी आपका मेरा बात समझ जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।